हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। आज की बड़ी खबर, मैट्रिक की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द, सुबह पेपर हुआ था लीक। जी हाँ, बिहार में मैट्रिक की सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा रद्द हो गई है। शुक्रवार की सुबह परीक्षा से पहले ही इस विषय का पेपर लीक हो गया था। इसी के बाद बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अब 8 मार्च को दोबारा परीक्षा होगी। सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक होने के बाद सोशल मीडिया के जरिए पूरे बिहार में वायरल हो गया था। इस मामले को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड की इतनी तैयारी के बाद भी मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि हमने इसकी जाँच का आदेश दे दिया है। जेल से बाहर नहीं आएंगे लालू यादव, रांची हाईकोर्ट से राजद सुप्रीमो को लगा बड़ा झटका। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राजद सुप्रीमो लालू यादव जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी है। हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के दलील को नहीं माना है। दरअसल दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट से मिली सजा की आधी अवधि काट लेने का दावा करते हुए लालू प्रसाद ने जमानत की मांग की थी, लेकिन लालू को बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से हाफ सेंटेंस पूरा करने के आधार पर जो याचिका दायर की गई थी उसमें अभी 2 महीने का वक्त घट रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद लालू यादव को इस मामले में जमानत मिल सकती है, क्योंकि हाफ सेंटेंस पूरा करने के बाद वापस लालू यादव के वकील कोर्ट का रुख कर रखेंगे। बड़ी खबर, आवासीय प्रमाण पत्र पर अब फोटो भी होगा, सरकार का नया आदेश। जी हां, बिहार में अब किसी व्यक्ति को आवासीय प्रमाण पत्र मिलेगा तो उसमें उसका फोटो भी नजर आएगा, या राज्य सरकार ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग में इससे जुड़ा आदेश सभी विभागों और जिलों को जारी किया गया है। किसी भी व्यक्ति का आवासीय प्रमाण पत्र और बगैर फोटो के नहीं बनेगा, साथ ही साथ उस व्यक्ति का पूरा नाम और पिन कोड के साथ पता भी दर्ज होगा। यह प्रमाण पत्र आधार पंजीकरण एवं पता सत्यापन के लिए एक साक्ष्य के तौर पर भी उपयोग में लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने आवासीय प्रमाण पत्र को भी एक दस्तावेज के तौर पर शामिल किया है। पहले इसमें फोटो नहीं होने की वजह से इसके सत्यापन में काफी समस्या होती थी, लेकिन इसके फॉर्म पर अब दाई तरफ आवेदक अपना स्वप्रमाणित फोटो लगा सकते हैं। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, बिना एग्जाम दिए प्रमोट किए जाएंगे क्लास 1 से 8 तक के बच्चे। जी हां, शिक्षा विभाग ने एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए जरूरी ऐलान किया है, जिसके मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक के करीब 1,60,00,000 बच्चों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि प्रमोट करने से पहले इन बच्चों को अपनी वर्तमान कक्षा की बुनियादी अध्ययन सामग्री पढ़ाई जाएगी। बता दें कि कोरोना के चलते क्लास नहीं चल पाए, जिस वजह से शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसके मुताबिक इन बच्चों को अगली कक्षा में तभी प्रवेश मिलेगा जब वे अपनी पिछली कक्षा की पढ़ाई 3 महीने तक पढ़ लेंगे। परिक्रमा, बिहार के सरकारी स्कूलों में 2300 पदों पर नियोजित होंगे क्लर्क व आदेशपाल। जी हां, बिहार के सरकारी हाई स्कूल में लिपिक और आदेशपालों के करीब 2300 पदों पर नियत वेतन पर नियोजन होगा। क्लर्क के 1172 जबकि आदेशपाल के 1129 रिक्त पद शामिल हैं। लिपिक पद पर 16,500 जबकि आदेशपाल के पद पर 15,200 रुपये प्रति माह के नियत वेतन पर ये नियोजित किए जाएंगे। सीएम नीतीश को आम लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू होने का इंतजार, इस दिन से करेंगे जनता के दरबार की शुरुआत। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को आम लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू होने का इंतजार है। एक बार फिर जनसाधारण को टीके लगने शुरू हो जाए तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे। अप्रैल या मई के किसी दिन वह इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस बात की जानकारी
खुद सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा के अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि आम लोगों का टीकाकरण शुरू होने का हम इंतजार कर रहे हैं। यह शुरू होते ही जनता के दरबार पहले की तरह सोमवार को लगाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री संवाद परिसर में शेड आदि की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में 10 लाख नए वोटर पंचायत चुनाव में होंगे शामिल। जी हां, बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 में करीब 10 लाख नए मतदाता शामिल होंगे। इन नए मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव को लेकर तैयार मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के सचिव योगेंद्र राम ने कहा कि नए मतदाताओं के नाम शामिल मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके तहत बिहार में 14,66,829 नए मतदाता हुए शामिल हुए हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में नल जल योजना पूरी न करने वाले नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, घोषित किए जाएंगे आयोग। जी हां, सरकार ने नल जल योजना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने चेतावनी दी है। उन्होंने दो टूक कहा है कि नल जल योजना पूरी नहीं करने वाले त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। यही नहीं, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। पंचायती राज विभाग एक एक वार्ड में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की समीक्षा कर रहा है। बकौल मीना, बिहार पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उन्हें दिए गए दायित्वों को पूरा करना है। ऐसे में उपेक्षा या जानबूझकर दायित्व का पूरा नहीं करने पर पद से हटाए जाने का आधार बनेगा। विभाग इसके लिए प्रस्ताव गठित कर रहा है। बिजली का बिल समय से ना चुकाया तो लगेगी बड़ी चपत, जानिए कब से लागू होगा नया नियम। जी हां, तय समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने वालों को और अधिक ब्याज देना होगा। बिजली कंपनी ने तय समय से अधिक समय पर बिल भुगतान करने वालों से अब अधिक विलंब शुल्क अधिभार वसूलने का निर्णय लिया है। कंपनी ने इस बाबत बिहार विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। आयोग की मुहर लगते ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में 1,62,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता है। तय समय में बिजली बिल नहीं देने वालों की संख्या लाखों में है। दरअसल कोरोना काल में राज्य में बिजली की खपत में कोई खास अंतर भले ही नहीं आया हो, लेकिन बिल भुगतान में भारी अंतर आ गया है। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन अवधि में भी राज्य की बिजली खपत 4,000 मेगावाट से अधिक की थी, लेकिन बिल वसूली का औसत 1/4 तक आ पहुंचा था। हाजीपुर से साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे राजद विधायक मुकेश रोशन, तेल की बढ़ती कीमतों का किया विरोध। बिहार में विधानसभा के बजट सत्र के शुरुआत के साथ ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। इसी तरह का एक नज़ारा देखने को मिला जब राष्ट्रीय जनता दल के महुआ से विधायक मुकेश रोशन साइकिल से बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों का विरोध जताने के लिए एक ऐसा रुख अख्तियार किया है। वही कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मिट्टी के चूल्हे लेकर विधानसभा पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए विधायक मुकेश रोशन ने बताया, मैं हाजीपुर से यहाँ आया हूँ, मैं वहां से सुबह 7 बजे चला। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर उन्होंने कहा कि अपराध अपने चरम पर है, सब कुछ महंगा हो गया है, हम लोग इन सभी मुद्दों पर सरकार से सवाल करेंगे। बिहार में अब सरकारी योजनाओं का पानी चुराने पर दर्ज होगा FIR, पानी बर्बाद करना भी पड़ेगा महंगा। जी हां, राज्य में जल संरक्षण और घरों व खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई काम हो रहे हैं। साथ ही राज्य में पेयजल संकट की आशंका व पानी की हो रही बर्बादी के मद्देनजर अधिकारी वैसे राज्यों की नियमावली का अध्ययन कर रहे हैं जहाँ पानी चोरी करने पर जुर्माना के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई का नियम है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद व सूरत सहित अन्य राज्यों में बने नियमावली का अध्ययन किया जाएगा। फिलहाल पानी की चोरी करने वाले के खिलाफ FIR करने का प्रावधान किया जाएगा। जल्द ही इसकी स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में फिर आया चमकी बुखार। जी हां, गर्मी शुरू होने से पहले ही मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड में एक बच्चा चमकी बुखार की चपेट में आ गया है। 2021 में AES का पहला मरीज सामने आया है।
पारो निवासी 2.5 वर्षीय आकाश कुमार को 3 दिन पहले SKMSCH में भर्ती कराया गया था। तेज बुखार और चमकी के लक्षण दिखने पर परिजन उसे लेकर आए थे। इसके बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने बच्चे में AES की पुष्टि की है। 2021 में AES का पहला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि AES यानी कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोमेस चमकी बुखार का मेडिकल नाम है। बड़ी खबर, बिहार के सारे अमीरी पटना में राज्य के प्रति व्यक्ति आय 31,287 और पटना की 1,12,604 रुपये। जी हां, बिहार के सारे अमीरी पटना में है। बजट सत्र के दौरान पेश हुए बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है, राज्य के प्रति व्यक्ति आय 31,287 और पटना की 1,12,604 रुपये है। बिहार की राजधानी होने के नाते पटना की समृद्धि उतनी चौंकाने वाली नहीं है जितनी बेगूसराय और मुंगेर की है। बेगूसराय में प्रति व्यक्ति आय 45,540 जबकि मुंगेर की प्रति व्यक्ति आय 37,385 रुपये है। इन दोनों जिलों की तुलना में शिवहर में अमीरी गरीबों के बीच आई काफी गहरा है। यहां प्रति व्यक्ति आय 17,569 है यानी बेगूसराय से 27,971 रुपये और मुंगेर से 19,816 रुपये कम। बेंगलुरु के अल्लोर क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार से शुरू हो रहे विजय हजारे वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार का मुकाबला रेलवे से होगा। BCCI के मीडिया कमेटी के संयोजक कृष्णा पटेल ने बताया कि BCCI द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया गया और बिहार टीम के सभी खिलाड़ियों को क्वारंटाइन कर 3 चरणों में COVID-19 टेस्ट किया गया है, जिसमें बिहार के सभी खिलाड़ी व स्पोर्टिंग स्टाफ नेगेटिव पाए गए हैं और खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की है। सबसे बड़ी खबर, मार्च के पहले हफ्ते से 5वीं क्लास तक के स्कूल खोलने की तैयारी। कोरोना महामारी के कारण साल 2020 के मार्च महीने से बंद किए गए स्कूल अब चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। अब तक 6ठी क्लास से ऊपर तक के स्कूल कोरोना गाइडलाइन के साथ खोले जा चुके हैं, लेकिन जूनियर क्लासेस अब तक बंद है। लेकिन शिक्षा विभाग के सूत्र बता रहे हैं कि मार्च महीने के पहले हफ्ते से प्राथमिक स्कूल के सभी कक्षाएं चालू की जा सकती है। साल के शुरुआत में सबसे पहले क्लास 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं खोली गई है। 4 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद दूसरे चरण में 8 फरवरी से क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू हो गई है और अब सभी सरकारी और निजी स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।